अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो है भिगारे बैंगन। भिगारे बैंगन के लिए हमने बैंगनों को 1 किलो बैंगन लिए और गोल गोल काट लिया हमने, और ये नमक वाले पानी में मैंने इसको डिप कर दिए। 2 अदद टमाटर लिए हैं, 4-5 अदद हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, प्याज लिया है हमने 2 अदद, और मसालों में मैंने लिया है ज़ीरा 1 चम्मच, और ये है अचार मसाला, ये मिल जाता है, आपने 1 चम्मच लेना है मार्केट से, आप ले लीजिएगा, और ये आपने 1 चम्मच डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा भिगारे बैंगन में। गाढ़ा मिर्च लिया हमने 2 चम्मच तकरीबन, नमक हसबे ज़रूरत, और धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपनी रेसिपी को। एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर साथ ही इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये हमने प्याज डाल दिए, इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे हल्का सा। जब तक हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं तब तक हम बैंगन को मैरिनेट कर लेते हैं। अब ये तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बैंगन का पानी हमने निकाल लिया, पहले ही पानी निकाल के हमने ये मसाले इसमें ऐड कर दिए, और फिर इसको मैरिनेट कर देंगे। फिर हम ये सिरका लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे, तकरीबन डाल लें आप 2 चम्मच के करीब। हल्दी 1 चम्मच डालेंगे ताकि हमारा कलर बहुत अच्छा आ जाए बैंगनों में। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मसाले को, ताकि हमारे बैंगन मैरिनेट हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच। ये देखिए बैंगन मैंने मैरिनेट कर दिए, कितने अच्छे तरीके से देखिए मसाला हर बैंगन के ऊपर आ गया। इस तरह से बहुत मज़ेदार बनते हैं भिगारे बैंगन हमारे। अब ये बैंगन हम प्याज में डाल देंगे, कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए ये तमाम बैंगन मैं इसमें लहसुन हूँ आराम से इसमें डाल दूँगी। अब हम इनको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाए और मज़ेदार से ये फ्राई हो जाए। इसके बाद फिर हम टमाटर ऐड करेंगे थोड़ा सा इनको भूनने के बाद। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, और इसके साथ बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप भी अगर इस तरह से घर में बनाएंगे तो ज़रूर आपके घर में सबको पसंद आएगी ये डिश। आमतौर पर ये डिश जो है ना, लोग बहुत कम ही होता है कि इस तरह से भिगारे बैंगन को बनाएं। कुछ लोग इसको अलग से भी फ्राई करके बनाते हैं, लेकिन मैंने इसी ऑयल में डाल दिया बैंगनों को। इस तरह भी बहुत अच्छी खुशबू और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। और अगर कोई बात है मेरे हवाले से, मेरे चैनल के हवाले से, किसी भी तरीके से आप कुछ कहना चाहें या कुछ पूछना चाहें मेरे से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और बहुत अच्छे तरीके से भुन गए हैं बैंगन हमारे। अब इस स्टेज पे हम टमाटर ऐड कर देंगे। अब हम टमाटर और हरी मिर्च जो हमने कट की थी वो ऐड कर देंगे और भूनेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको मिक्स करेंगे इस मसाले में बैंगनों के साथ। ये देखिए बहुत अच्छे से मैं टमाटरों को भून रही हूँ बैंगन के साथ, और ये देखिए किस कदर खूबसूरत शक्ल आ रही है बैंगन की। हमारे भिगारे बैंगन तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से। अब इनको हल्की आंच पे दम पे रख दें ताकि ये अंदर से थोड़ा सा पक जाए बैंगन अच्छी तरह से। अब हम बैंगन को ढक कर पकाएंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। ये आधा कप दही मैंने फेंक लिया है, अब ये भी हम बैंगन में ऐड कर देंगे। बैंगन हमारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट
ये देखिए बहुत अच्छे से पक गए हैं बैंगन। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे फेंट के। दही ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो मैंने ऐड किया है इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी सी बहुत अच्छी लगती है बैंगनों में, और ये के बैंगन की तासीर कहते हैं कि गर्म होती है तो बैंगन ऐड करने से इसकी तासीर ठीक हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बैंगन भटारे बैंगन रेडी हो चुके हैं और ऑयल ऊपर आ चुका है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फुल डन हो चुकी है हमारी रेसिपी, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है माशाल्लाह से, कितनी अच्छी खुशबू और शक्ल है माशाल्लाह से बैंगन की, भगारे बैंगन की। अब हम गार्निश कर देंगे ऊपर से धनिया अदरक और हरी मिर्चों से इसको गार्निश कर देंगे। चाहें तो ऊपर से गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए ये हमारे भगारे बैंगन तैयार है, आप भी घर में इसी तरह से बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे फिर इंशाल्लाह।